एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जो भी पर्सन आपके दिमाग में इस वक्त में चल रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि अगले कुछ घंटे ये पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं, किस सोच में रहने वाले हैं, आपको लेकर ये पर्सन किस तरह से महसूस करेंगे, ये चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, बस आपको ये याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी होगी चैनल पर वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर व्यूअर्स देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप इसे बेझिझक होकर व्यूअर्स देख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सेकेंड थिंग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यानी कि आपको अगर अपने पार्टनर और अपने नाम के बेस पर आपको रीडिंग लेनी है, तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, एंड सेकेंड थिंग आपको स्टार्टिंग में भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है। अगर आप कॉल करेंगे तो वो कॉल आपकी रिसीव नहीं करी जाएगी, उठाई नहीं जाएगी। आप जो भी इंक्वायरी लेंगे वो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही लेंगे, उस पर आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको देर सवेर उसका जवाब मिलेगा, यानी कि सारी जानकारी आपको उस व्हाट्सएप के नंबर पर ही मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी कॉल अलाउड नहीं होगा। पर्सनल रीडिंग जो भी है वो पेड होगी व्यूअर्स, वो फ्री नहीं होगी, मैं आपसे ये भी ज़रूर से कहना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे ये देखते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं, गाइड कीजिए। सैडनेस एंड आइसोलेशन, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। थर्ड आई चक्रा, गाइड कीजिए, बताइए प्लीज यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए। फाइंड बैलेंस, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन नेक्स्ट फ्यू आवर्स व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। डिटैच एंड बॉटम है आपका रिलीज, ओके ठीक है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे ये है आपका जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, ये आपका लिब्रा और ये आपका स्कॉर्पियो है। नंबर्स मुझे आपके लिए यहाँ पे 3, 6, 2, 11 एंड 13 एंड 4 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, और मंथ आपका हो गया मार्च, जून, फरवरी, ये आपका नवंबर और ये है आपका अप्रैल मंथ। तो ये मुझे मंथ्स इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, और मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कैसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना है। जो व्यूअर्स अभी इस रीडिंग के माध्यम से हमसे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ आपको ये कैसे लेकर चलना है। जैसे जो भी नंबर्स बताए गए हैं आपका, ये जो भी रिश्ता है इनके साथ वो इतने सालों का हो, इतने महीने से आप इनसे अलग हो या इतने सालों से अलग हो, इतने मंथ या इतने सालों से आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, या ये जो भी मंथ्स बताए गए हैं ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलना होगा व्यूअर्स। लेकिन आपको ज़बरदस्ती इन नंबर्स इन मंथ से नहीं करनी है। ये चीज़ें मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे पाऊँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने नज़रिए को कहीं ना कहीं बदलता हुआ फील करेंगे, मतलब इनका नज़रिया कहीं ना कहीं इन्हें लो एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। मतलब एकदम से इंसान जैसे अपने आप को इमोशनली वे में हारा हुआ, कमज़ोर या फिर एकदम लो महसूस करता है ना, तो वही कुछ ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में महसूस करने वाले हैं। इन्हें ऐसा फील होने वाला है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रहा, या ये जिस भी तरह से बैलेंस करना चाह रहे थे, इनकी ये चाह थी कि ये बैलेंस में सभी चीज़ों को लेकर चले, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी जिंदगी में
नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इन्हें ऐसा फील होने वाला है जैसे कि हर कोई इनसे डिटैच्ड हो रहा है, हर कोई इनसे दूर हो रहा है, कोई इनके साथ रहना प्रेफर नहीं कर रहा, या हर किसी को इनसे जो भी दूरियां है ना वो ज़्यादा पसंद आ रही है बजाय इनके साथ रहने के। ऐसी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ जैसे ये इनका खुद का नजरिया है, इनकी खुद की ये सोच है, ये अपनी सोच में इतना ज़्यादा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बंध जाएंगे या अपने आप को इतना ज़्यादा ये पर्सन बांध लेंगे कि अपने आप में ही रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे कि सोच होती है ना इंसान की, वो सोच ही इंसान को नेगेटिव भी कर देती है, पॉजिटिव भी कर देती है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन अपनी सोच की वजह से अपने आप को एक सैडनेस की तरफ, एक उदासी की तरफ लेकर जाएंगे कि जितना ज़्यादा बंद रहें, जितना ज़्यादा अपने आप में रहें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब लोगों की निगाहों में इन्हें ना अपने आप से जैसे अपने लिए इज्जत नज़र नहीं आएगी, लोग इनसे दूर जा रहे हैं, लोग इनके साथ रहना इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ जैसे कि इन्हें खुद से ये चीज़ है कि शायद लोग इन्हें रिजेक्ट करते जा रहे हैं, लोगों की नज़रों में इन्हें अपने लिए एक बदनामी जैसी फील होने वाली है कि इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसी मैं एनर्जीज इस पर्सन की देख पा रही हूँ और यही नज़रिया इस पर्सन को अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच को बैलेंस नहीं करने देगा। आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि ये जो भी फीलिंग्स है, ये जो भी एनर्जीज है इंसान को किस लेवल तक पहुंचा कर जा सकता है। तो वही इनके साथ होने वाला है, जैसे कि ये डिप्रेशन में अपने आप को पाएंगे, ठीक है। और ये भले लोग इनसे नहीं डिटैच हो रहे हैं लेकिन इनकी सोच इन्हें नेक्स्ट फ्यू आवर्स में लोगों से डेफिनेटली डिटैच करते हुए मुझे दिख रही है। और इनकी ये फीलिंग्स भी मैं देख पा रही हूँ जैसे ये सभी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करने की चाह भी रखेंगे कि किसी तरह से ये चीज़ें जो इन्हें फील हो रही हैं, जो इन्हें समझ में आ रही हैं, ये उससे फ्री हो जाएं, उससे बाहर निकलें। तो उस एनर्जी में मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ व्यूअर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहने वाली है, आपको लेकर ये पर्सन कैसा महसूस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, बहुत निराश, एकदम आइसोलेट एनर्जी, एकदम डिस्टर्ब एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर है। तो टैरो से और देखते हैं व्यूअर्स, ठीक है। आपको लेकर फोकस अगेन आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करने वाले हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ। स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है, नंबर 8 अगेन आपके लिए आया है यानी कि अगस्त मंथ। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ। टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ। मुझे आपके लिए 222 एंजल नंबर व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपको हो सकता है आजकल 222 एंजल नंबर दिखाई दे रहा हो, इसकी पॉसिबिलिटीज मैं देख रही हूँ यहाँ पे। डेथ फिर से आया है यानी कि स्कॉर्पियो, नंबर 13, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ। सिक्स ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका एम्परर, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ, और ये है आपका एरीज, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में ये पर्सन लगे हुए हैं। जैसे इन्हें कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला इन्हें तुरंत लेना है और ये वो फैसला ले नहीं पा रहे, बजाय वो फैसला लेने के ये अपने आप को कन्फ्यूज़न में देख रहे हैं, अपने आप को एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ देख रहे हैं जहाँ पर खड़े होकर इन्हें दोनों ही ऑप्शंस में सुकून नहीं मिल पा रहा, दोनों ही ऑप्शंस इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, दोनों ही ऑप्शंस में इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये दोनों ऑप्शंस इन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर
हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों ही ऑप्शंस में कहीं ना कहीं स्टक होते जा रहे हैं। और ये स्टकनेस ऐसी नहीं है कि बहुत छोटी मोटी है, ये ऐसी स्टकनेस से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये स्टकनेस अल्टीमेटली इनकी स्ट्रेंथ को इनसे छीन रही है, ये स्टकनेस इन्हें एकदम ऐसे हालात में पहुंचा रही है व्यूअर्स, जैसे ये फंस कर रह गए, ट्रैप्ड होकर रह गए इन दोनों ही फैसलों के बीच में। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि डेफिनेटली इस पर्सन के पास ना आपसे अलग एक और चॉइस है, एक और ऑप्शन है, और ऐसा नहीं है कि उस चॉइस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं या ऐसा नहीं है कि आप ही की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब दोनों ही ऑप्शन में ये कन्फ्यूज है, ठीक है। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी कहीं ना कहीं ये पर्सन उसी कंफ्यूजन में अपने आप को पाएंगे। जितना ज़्यादा ये इन ऑप्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, करने की चाह रखेंगे, उतना ये इसमें फंसते चले जाएंगे, क्योंकि इनके दिल में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको लेकर है कि जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट, जो अटैचमेंट इन्हें आपकी आंखों में दिखाई देता था, आप में दिखाई देता था, इनके लिए वो इन्हें मिसिंग नजर आ रहा है, ठीक है, वो इन्हें मिसिंग नजर भी आएगा। एज एन कि देखो, अगर ये ठोक बीट पीट के एक स्ट्रेंथ जुटा के, हिम्मत जुटा के आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो इन्हें आपकी नज़रों में वो ऑब्वियसली वो चीज़ें जब नहीं दिख रही, तो ये कैसे वो स्ट्रेंथ जुटा पाए, कैसे वो आपकी तरफ बढ़ पाए, तो उस एहसास में, उस फीलिंग्स में ये पर्सन रहने वाले हैं। आपको ना ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत स्ट्रांग एनर्जीज में देखेंगे, एकदम एम्परर वाली एनर्जी, जैसे वहाँ पे बैठकर आप इनसे किसी तरह की डिमांड कर रहे हो, किसी तरह का सवाल कर रहे हो, या आप एकदम इमोशनल लेस हो, आपके दिल में तो फीलिंग्स ही नहीं है, जिस फीलिंग्स के सहारे ये पर्सन बेझिझक होकर आपकी तरफ बढ़ जाते थे, वो सॉफ्ट कॉर्नर भी अब आपके अंदर इन्हें नहीं दिख रहा है, जिस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से हजारियों गलतियां करने के बाद भी ये आपकी तरफ बढ़ जाते थे। तो इन्हें ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में व्यूअर्स आप एकदम एम्परर की एनर्जीज में दिखने वाले हो, एकदम इमोशनल लेस, इनके लिए आपके दिल में ना फीलिंग्स है, ना इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है, और इन्हें एक फैसला लेना है, इन्हें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इन्हें ऐसा फील होने वाला है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में व्यूअर्स, जैसे कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो अब इन्हें वो जीत नहीं मिलेगी जो पहले कभी एक वक्त पे इन्हें आपकी तरफ बढ़ने पर मिल जाती थी। किस वे में? क्योंकि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे, इमोशनली वे में आप इनकी हर गलती माफ करने के लिए तैयार रहते थे, या इमोशनली वे में आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देने के लिए या इनकी लाइफ में जगह पाने के लिए आप तैयार रहते थे। तो इन्हें ना यही चीजें नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाली हैं, थोड़ा भी क्या व्यूअर्स, ये मैं बहुत स्ट्रांग लेवल पर इस पर्सन की एनर्जीज को देख पा रही हूँ। हो सकता है ये इन्हीं का नजरिया हो, क्योंकि मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, जैसे इनका सिक्स्थ चक्रा जो है, जो ये जो थर्ड आई चक्रा होता है, जो परसेप्शंस आपके मेंटेन करके चलता है, इंट्यूशंस आपकी हाई करता है, वो यहाँ पे ब्लॉक है, जिस रीजन की वजह से ये पर्सन अपने परसेप्शंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बजाय अपनी इंट्यूशंस को प्रायोरिटी देने के, और इसी रीजन की वजह से ये पर्सन अपने आप को एक क्रॉस रोड पे पाएंगे। उसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पर भी ऑब्वियसली इन्हें किसी तरह का बैलेंस नहीं मिल रहा, वहाँ पे भी एक डिटैचमेंट, एक बदनामी, एक इंसल्ट, एक रिजेक्शन, ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी ऑब्वियसली अब इनके लिए जैसे अवेलेबल नहीं रहा, तो वो एहसास इस पर्सन को होने वाला है। जैसे कि अभी तक तो सभी चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे सब कुछ जीते जा रहे हैं, सब कुछ मिलता जा रहा है, जो चाहते हैं वो मिल रहा है, सब इनके पीछे खड़े हैं, सब इन्हें गाइड कर रहे हैं, सब इन्हें फॉलो कर रहे हैं, इनके जैसा बनना चाह रहे हैं, और अब इन्हें ऐसा फील होने वाला है कोई इन्हें देखना भी प्रेफर नहीं कर रहा, तो कोई इनके साथ रहना भी पसंद नहीं कर रहा, तो वो एहसास इन्हें ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपने आप में बंद करने वाला है, एक आइसोलेट एनर्जी में इन्हें पहुंचाने वाला है, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि ना अपने आप में बंद ये डेफिनेटली रहेंगे, जिसके चलते जो चाह भी रहे हैं वो भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे उस डर, उस घबराहट की वजह से। उसके अलग मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, देखो व्यूअर्स, इन्हें ना आपको लेकर ऐसा भी फील होने वाला है जैसे कि जितना ज़्यादा ये अपने आप को हारा हुआ और अपने आप को बंद पाएंगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके हिस्से ये जीत
महसूस करेंगे। जिस जगह पर ये अपने आप को देख रहे थे, जिस जगह पर कभी एक वक्त पे ये थे, उस जगह पर इन्हें आप बैठे हुए नजर आओगे। लेकिन आपके साथ क्या है, आपने सब कुछ खोकर भी सब कुछ जीत लिया। वो एहसास इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मारने वाला है। वो फीलिंग्स इनकी रहेगी, मतलब आप भले यहाँ पर इस रिश्ते में आ पाए हो या नहीं आ पाए हो, लेकिन जीत आपके हिस्से आई है। एटलीस्ट आपके मन में एक सुकून आया है। एटलीस्ट आप यहाँ पर अपने फैसले के साथ अपनी लाइफ में डटे हुए हो, या आपने अपने आप को एकदम इमोशनल लेस करके कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत बना लिया है, अपने आप को स्ट्रांग कर लिया है। तो वही एहसास इस पर्सन को कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपके सामने एकदम खत्म हुआ हुआ पाएगा, मतलब आपके सामने ही कुछ भी नहीं बचे हैं, ऐसा एहसास इन्हें डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और हो सकता है इन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती, आपके सामने अपने आप को हमेशा ये पर्सन डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, उसकी भी मैं पॉसिबिलिटीज देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं इस एहसास के साथ आपसे कहने की इस पर्सन की क्या इच्छा रहेगी। I hide who I really am from you. तो अब basically ये person ना आपसे अपने आप को छुपा रहे हैं, जो हमने यहाँ पर भी देखा, और next few hours में भी ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, और वही आपसे कहने की चाह इनकी ठेगी। I can't move on from you. ये एहसास इन्हें फील होने वाला है कि आपकी नज़रों में तो कहीं ना कहीं इन्हें वो प्यार, वो इज्जत, वो अटैचमेंट, ये सब दिख नहीं रहा, वो सब मिसिंग है। लेकिन ये आपसे फिर भी मूव ऑन नहीं कर सके, ना कर पाए, तभी तो ये अभी भी उस क्रॉस रोड पर खड़े हैं। तो ये आपसे ये कहने की चाह विवश रखेंगे। Why you so mean? तो आपका यू स्ट्रांग होना, आपका यू अपने लिए स्टैंड लेना, आपके हिस्से जीत आना, ये सभी चीज़ें इन्हें आपसे कहने के लिए जैसे फोर्स करेंगे कि भाई आप इतने मीन क्यों हो रहे हो, या आप मीन ज़्यादा हो रहे हो, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से वो चीज़ें फील नहीं होंगी ना। I was thinking of you last night. आपसे कहने की चाह इस पर्सन की उठेगी कि ये तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लास्ट नाइट भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में इन्होंने सोचा, तो आपसे ये कहने की चाह इस पर्सन की है। I did not mean to hurt you. कहीं ना कहीं इनका बैक ऑफ द माइंड इन्हें ये चीज़ें तो समझाएगा कि आपका यूँ बदलना, आपका यूँ प्रैक्टिकल होना, इनकी तरफ से जो भी आपको दर्द दिया गया, जिस भी तरह से आपको हर्ट करा गया है ना, उसका ये नतीजा है, उसका ये रिजल्ट है। तो आपसे ये कहने की चाह इनकी होगी कि कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। अगर आप उस हर्ट करने की वजह से अपने आप को बदले हो, तो ये ऐसा नहीं चाहते थे। तो आपसे ये पर्सन ये कहने की चाह रखेंगे। I show off on social media for you. तो अगर ये social media पर ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, social media पर अपनी साइड से बहुत अच्छे अच्छे अपने फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी social media पे डाल रहे हैं ना, ये आपको दिखाने के लिए डाल रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। रीज़न इज़ कि ये अपनी तरफ से अपनी कमज़ोरी, अपना ये आइसोलेट होना, अपना यू ट्रैप्ड होना, मतलब अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, अपनी वीकनेस, ये आपको नहीं दिखाना चाहते। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये तो आज भी यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई भी हैं, या जिस भी तरह से अब आप इनकी रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये वो सभी चीज़ें फिर से सही कर दें, ये आज भी यही चाहते हैं। तो आपसे ये इवन ये भी कहने की चाह रख रहे हैं, लेकिन फिर भी करने वाले ये हैं, और फिर भी कन्फ्यूज़न जो है ना, वो इन्हीं की ज़िंदगी में है। यही कहते हैं ना, ज़्यादा ओवर स्मार्ट होना या ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना कभी कभी ना अपने ही नैया डुबो देता है, अपनी ही नाव को डुबो देता है। तो कुछ ऐसा ही मैं इस पर्सन की एनर्जीज में व्यूअर्स देख पा रही हूँ। चलिए अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लो एनर्जीज में है। आपके लिए मैं मैसेजेस देखती हूँ गाइडेंस के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स, और दीजिए बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, लाइब्रेरी एंड सनड्रेसेस। तो देखिए व्यूअर्स,
यहाँ पे भी आपका एक्सपेक्टेशंस आया है, बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है, देखो प्यार अपनी जगह है, आपने इस पर्सन से प्यार करा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं होता ना, तो फिर रिश्ता रिश्ता नहीं होता। तो आपने प्यार करा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशी, अपना दुख, अपना सब कुछ इन्हें सौंप दो, मतलब आप अपनी कंट्रोल इनके हाथों में दे दो। ये जब जीत जा रहे हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, जब इन्हें लग रहा है आप इनके हिस्से जीत आ रही है तो ही आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो बेसिकली कंट्रोल है। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो व्यूअर्स, जिस रिश्ते में आप वो कर पा रहे हो जो आप चाहते हो, मतलब जिस रिश्ते में इंडिपेंडेंसी है, जिस रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो फुलफिल हैं, और एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं तो नहीं हैं, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं चल पाता है। अगर आप आपके पार्टनर ने आपसे वो एक्सपेक्टेशंस रख रखी हैं इस रिश्ते में जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, वो जबरदस्ती कंट्रोल करने की बात है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है, कोई और आकर नहीं समझाएगा, दिस इज योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, ठीक है, ना मेरी है ना किसी और की है, सिर्फ आपकी है। आपको ये देखना है कि अगला या अगली जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, क्या आप वो फुलफिल कर पाओगे, और कब तक, क्या इसका कहीं पे अंत होगा या नहीं ही होगा इसका अंत, या इसी तरह से आप उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दोगे, और अपने लिए जीना मरना, अपने लिए कुछ करना, ये सब त्याग दोगे। रिश्ते का मतलब है दूसरे के लिए करना, कुछ करना, लेकिन जहां पर बात आती है कि वो करना कंट्रोल में कन्वर्ट हो रहा है और अपनी जिंदगी को आप पीछे छोड़ते जा रहे हो, तो वो प्यार नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये गाइडेंस आज की इस रीडिंग में आपके लिए दी जा रही है, और अगर आप ये चीजें समझ रहे हो, और अगर आपने ये चीजें समझ ली हैं, तो आपको इस एनर्जी तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने में से हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने, कुछ लोगों ने इस एनर्जी में पहुंचा भी लिया हो, हालांकि इस पर्सन के नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको लेकर यही एनर्जीज होगी, यही फीलिंग्स इनकी आपको लेकर होगी, लेकिन आपने कितना पहुंचाया वो आप जानते हो, और आपको ही ये वर्क करना है। तो ये थी रीडिंग, आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत गाइड कर पाई हूँ, आपने इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर लिया हो, और अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ ना, तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे, और मैं इसी तरह से आपको गाइड करती रहूँ, आपको बूस्ट करती रहूँ। 222 का मतलब ही यह है कि भाई आप सही रास्ते पर हो, आपको सही रास्ते पर लेकर जाया जाए। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ओके बाय बाय।